मनीष शंकर अय्यर ने पूछा, दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, भगवान राम कौन से में पैदा हुए। कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, जिसमें एक नई बहस शुरू हो सकती है। उन्होंने पूछा है कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, भगवान राम कौन से कमरे में पैदा हुए, क्या यह किसी को पता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने यह बात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली में आयोजित एक समारोह एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम में कही। अय्यर ने कहा, हम कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनाइए, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे का क्या मतलब है। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे, कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। इसलिए यह कहना कि हम सोचते हैं कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे इसलिए यहीं मंदिर बनाना है, क्योंकि यहाँ एक मस्जिद है, पहले इसे हम तोड़ेंगे और इसकी जगह हम मंदिर बनाएंगे, क्या एक हिंदुस्तानी के लिए अल्लाह में भरोसा रखना गलत चीज है। मनीष शंकर अय्यर अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रहे हैं। अय्यर को दिसंबर 2017 में गुजरात चुनाव के समय पीएम मोदी के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। उस समय पहले चरण का चुनाव चल रहा था और पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया था, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। मनीष शंकर अय्यर पहले भी अपने बयानों की वजह से पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। साल 2014 चुनाव से पहले अय्यर ने ही सबसे नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके इस बयान का बीजेपी ने पूरे चुनाव में खूब भुनाया था। साल 2018 अय्यर का कांग्रेस की सदस्यता से निलंबन वापस ले लिया गया। यह फैसला पार्टी के अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद लिया गया था।